पाकिस्तान के पास और अलग अलग शहरों में घूमते हुए और कंफर्टेबली सुविधाजनक रूप से बोलते हुए बात करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा टेक्निकली नहीं है, बट राष्ट्रभाषा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। और इसके बाद एक तीसरी भाषा आती है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी अंग्रेजी, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो हिंदुस्तान के बच्चों की यह खासियत होती है कि त्रिभाषीय फॉर्मूला में चलते हैं, मातृभाषा, एक स्वीकार्य राष्ट्रभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इसलिए किसी भी भाषा में हमारा पांडित्य होना चाहिए, यानी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। भाषा में एक्सपर्टीज इसलिए जरूरी होती है कि हम सोचे, जो सोचे उसको सही प्रकार से संप्रेषित कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेशन समझते हैं आप लोग सब? हम सभी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, करते हैं। जब हम किसी को कॉल करते हैं और कुछ देर हमको टुक सुनाई देता और उसके बाद घंटी बजती है, तो वो जो टू 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 होता है उसको मोबाइल फोन की टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं हैंडशेक, यानी हाथ मिलाना। और वो टू 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 के दौरान हम लोग तैयार हो जाते हैं दूसरे नंबर से हाथ मिलाने के, और फिर हम अपने मन की बात बोल सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम सबको जीवन में मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। हम चाहे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ना, लेकिन अपने जीवन में व्यवस्थित रूप से चलना उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। सवेरे हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा लोचा कर लेते हैं, मोबाइल फोन को उठा लेते हैं और उसमें सोशल मीडिया पर लॉग इन हम पहले से ही करते हैं, घुस जाते हैं। और उसके बाद आजकल एक जो है बड़ा खतरनाक चीज शुरू हो गई जिसको हम कहते हैं रील्स। सब मुस्कुरा रहे हैं, अधिकांश लोगों को पता है कि रील्स क्या। और फिर हम करते हैं एक के बाद एक उन रील्स को देख।